दोस्तों ये 500 वाट का एम्पलीफायर है, आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी होता है, स्ट्रेंजर PBT501। आज इस एम्पलीफायर की टोटल ही रिपेयर करेंगे दोनों साइड की, क्योंकि दोस्तों इसकी दोनों साइड हैं पूरी तरह से शॉर्ट हो चुकी हैं, और उसके साथ जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ऑडियो ट्रांजिस्टर 3773 होता है, उसके साथ जो कोई भी कंपोनेंट्स होता है, जब वो शॉर्ट होता है उसके सभी कंपोनेंट्स जल जाते हैं, इसलिए इन सभी कंपोनेंट्स को भी नए लगाएंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसकी रिपेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो को देख के आप अपने घर में भी इसकी रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ जो है बचा नहीं है, हमने सब कुछ जो है इसका आपको खोल के दिखा दिया, इसकी वायरिंग जो है कैसे की जाती है। अगर आप डीजे का काम करते हैं तब भी आप इसको खोल के रिपेयर कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अगर आप मैकेनिक है तब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए, अब जो सभी ऑडियो ट्रांजिस्टर हैं इनको एक बार निकालेंगे बारी बारी से सभी को। दोस्तों इस एम्पलीफायर में साइड दो होती हैं, एक साइड लेफ्ट और एक साइड जो है राइट। जो लेफ्ट साइड होती है सभी की पॉजिटिव होती है, जो राइट साइड होती है सभी की वो नेगेटिव साइड होती है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव वोल्टेज आते हैं 40 से 45 वोल्ट के करीब, और जो पॉजिटिव की साइड होती है उसके पास 45 वोल्ट के करीब पॉजिटिव के आते हैं। लेकिन इसका जो चैनल होता है सिर्फ एक चैनल होता है, और इस चैनल में आप 4 ओम का भी कोई स्पीकर चला सकते हैं या फिर आप 8 ओम का चला सकते हैं। देखिए सभी जो है हमने ऑडियो ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है, इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रांजिस्टर डालें उसके नीचे माइका ज़रूर लगाएं, क्योंकि किसी भी ट्रांजिस्टर की बॉडी को एम्प की बॉडी से टच ना होने दें, क्योंकि इसमें इस ऑडियो ट्रांजिस्टर की खुद की दो पिन हैं, जो तीसरी पिन है इसकी बॉडी होती है, बॉडी कलेक्टर होती है, वो तीसरी पिन के रूप में कार्य करती है, इसलिए इस ट्रांजिस्टर की बॉडी को एम्प की बॉडी के साथ टच ना होने दें, बीच में माइका ज़रूर लगाएँ। ये देखिए सभी के सभी जो हैं एक साइड के निकाल दिए हैं। एक बार आपको इसका नंबर दिखाते हैं, ये देखिए एक साइड के निकाल दिए और दूसरी साइड के बाद में निकाल लेंगे इसके। दोस्तों अगर आप कोई अन्य वीडियो देखना चाहते हैं एम्प से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर जाके किसी प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों दोनों साइड के जो ऑडियो ट्रांजिस्टर हैं वो नए लगा दिए हैं। अब इसके साथ के सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को लगाएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप जो है 0.47 ओम की रेजिस्टेंस 1 वाट में हमें मिली नहीं, इसलिए 2 वाट में लगाते हैं, और साथ में जो दूसरी रेजिस्टेंस 4.7 ओम 5 वाट में। आपके पास 5 ओम की नहीं है तो आप 4.7 ओम की भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इसलिए ये देखिए अब जो है
0.47 ओम की रेजिस्टेंस जो है उसको हम इस पे लगा रहे हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो ऑडियो ट्रांजिस्टर की बेस से टच होगी, जो छोटी रेजिस्टेंस है जो हमारी है 5 ओम 5 वाट की, जिसकी जगह हम 4.7 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, वो एमिटर से टच होगी और जो बॉडी है वो कलेक्टर है। अब एक बार चेक जरूर करें कि कोई भी हमारा ट्रांजिस्टर है जो एम्प की बॉडी है उससे टच ना हो, उससे शॉर्ट ना हो हमारा, कि किसी तरीके से उससे जो है टच हो गया हो तो आपकी साइड जो है जल जाएगी, आपकी साइड नहीं चलेगी। इसलिए ये चेक ज़रूर कर लें, हर जो है हर ट्रांजिस्टर के ऊपर लगा के देखें मीटर की पिन को। ये देखिए हमारा बिल्कुल एकदम ओके है। अब दोस्तों इसकी फिटिंग कर दी है पूरे से, अब इसको ऑन करते हैं। 200 वाट का बल्ब है हमारे पास, इसको इस एम्पलीफायर को हम सीरीज में लगाते हैं। देख सकते हैं आप इसकी जो लाइट है बल्ब की वो जल चुकी है। अब इसकी जो पीछे लगाते हैं पिन को, अब इस ऑडियो जो पीछे ऑडियो की सॉकेट होती है उसमें लगाते हैं पिन को। साउंड को बढ़ाते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए साउंड आ चुकी है अच्छे तरीके से। हमारा एम्प जो है रिपेयर हो चुका है, देखिए दोस्तों सही तरीके से। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।